व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रूम जेड के प्लेयर्स आपस में रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड करते हुए दिखाए जाते हैं कि कौन पहले स्टार्ट करेगा, जहां ईसागी जीतने के बाद वो बताता है कि वो फॉरवर्ड खेलेगा। फिर हमें जिनपची के थ्रू फिर से रिवाइज कराते हैं कि 5 टीम के 55 खिलाड़ी एक मैच में हिस्सा लेंगे, जिनमें से 2 टीम आगे प्रोग्रेस करेंगी, बाकी टीम्स को ब्लू लॉक छोड़ना होगा और जो बाहर होगा वो कभी भी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल पाएगा। पर जो बाकी 3 टीम्स के टॉप स्कोरर होंगे जो एडवांस करेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए, और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले और सबसे कम पेनल्टी पॉइंट स्कोर करने वाले आगे प्रोग्रेस करेंगे। जिनपची कहता है कि तो क्या तुम अपने आप के गोल्स को पहले रखोगे या टीम के? नेक्स्ट मैच अगले 2 घंटे में स्टार्ट होंगे, टीम एक्स वर्सेस टीम जेड। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहां टीम जेड प्रिपरेशन करती है मैच को लेकर, जहां गुरीमु बोलता है कि ईसागी की रैंकिंग काफ़ी कम है तो क्या हम जीत भी पाएंगे विथ हिम एज आर फोकल पॉइंट। फिर हम देखते हैं कि सारे खिलाड़ी रेडी हो जाते हैं और कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ ईसागी सोच रहा होता है कि मेरा अब ब्लू लॉक में लाइफ चेंजिंग मैच स्टार्ट होने जा रहा है। फिर सेंटर फील्ड में टीम जेड आती है और वो देखते हैं कि टीम एक्स भी वहाँ आ रही है। उसके बाद हमें सीरीज़ का इंट्रो दिखाते हैं और फिर हमें अनाउंसमेंट के ज़रिए सारे फाउल्स बताए जाते हैं। बिल्डिंग 5 का फर्स्ट मैच एक हाफ मैच होगा 45 मिनट्स का। बाचीरा बोलता है, ईसागी क्या तुम डर रहे हो, चलो मज़े करते हैं वरना हम हार जाएंगे, यही होता है सॉकर। ईसागी कहता है ठीक है। फिर तभी मैच स्टार्ट होता है और ईसागी के पास बॉल आती है और वो सोचता है मुझे घबराना नहीं चाहिए। तभी ईसागी सोचता है कि मुझे बॉल पास करनी चाहिए या अटैक करना चाहिए, पर तब तक एक खिलाड़ी आके ईसागी से बॉल छीन लेता है और ईसागी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो रायची। तभी हम देखते हैं रायची बोलता है कि मुझे टीम से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद से जितना हो सके उतने स्कोर करने हैं। तभी हम देखते हैं कि कुनिगामी नाम का प्लेयर रायची से बॉल छीन लेता है और कुनिगामी और रायची के बीच बहस होती है और एक दूसरे को मॉक करते हैं, पर तभी एक टीम एक्स का प्लेयर उनसे बॉल छीन लेता है और टीम एक्स के साथ भी सेम होता है कि आपस में स्कोर करने के लिए लड़ रहे होते हैं। ईसागी सोच रहा होता है कि आखिर इधर हो क्या रहा है, यहाँ सब अपने अपने बारे में सोच क्यों रहे हैं। ईसागी सोचता है जिनपची ने कहा था कि ये सॉकर 0 से स्टार्ट है, तो क्या है इसका मतलब, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक टीम एक्स का प्लेयर बॉल छीन लेता है और स्कोर करने निकल पड़ता है और ईसागी के तरफ जाता है और बोलता है मेरे आगे से हट जाओ वरना मारे जाओगे। फिर हमें उस प्लेयर का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम था बारो शोए, रैंक 250, और ईसागी उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है रोकने के लिए, पर हम देखते हैं कि बारो उन्हें भी पार करके निकल जाता है और ईसागी शौक होता है कि ये कौन सा प्राणी है, और हम देखते हैं कि गोलकीपर को पता भी नहीं चलता और तब तक बारो गोल कर चुका होता है। टीम एक्स के 1 पॉइंट हो जाते हैं। फिर बारो नागार्जुन सर वाला डायलॉग बोलता है, फील्ड में सिर्फ एक ही किंग है, वो हूँ मैं। फिर हम देखते हैं ईसागी मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसको कोई कैसे हरा सकता है, और फिर टीम जेड दोबारा रेडी होती है जहाँ रायची बोलता है तुम सब सिर्फ मुझे बॉल पास करो, जहाँ और भी प्लेयर बोलते हैं कि मुझे पास करो। फिर हम देखते हैं कि मैच रिज्यूम होता है जहाँ ईसागी और बाचीरा स्टार्ट करते हैं और गुरीमु अपनी पोजीशन से हट के बॉल किक करता है और बोलता है मैं तुम्हें बॉल नहीं दे सकता, मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ इसलिए मुझे स्कोर करने हैं। पर हम देखते हैं कि टीम एक्स फिर से बॉल छीन लेती है जहाँ टीम एक्स का एक ही प्लेयर बोलता है कि हमें इंडिविजुअल गोल करने नहीं चाहिए बल्कि हमें मिलके एक टीम के तरह गोल करने चाहिए। फिर बॉल बारो के पास जाती है और टीम जेड उसे रोकने की कोशिश करती है, जहाँ ईसागी सोचता है कि अगर हमने बारो को अकेला छोड़ा तो दिक्कत करेगा, लेकिन अगर हम सब बारो के पीछे लग जाएं तो पूरी टीम को फ्री हैंड मिल जाएगा, और यही सोचते हुए टीम एक्स गोल करती है। फिर हम देखते हैं कि ईसागी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे, हमें हमारी टीम में एक साथ कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। फिर हम देखते हैं कि ईसागी थोड़ा टेंशन में होता है और जिनपची की बात भी सोचता है, लेकिन तब तक टीम एक्स कई बार गोल कर देती है और 5 पॉइंट स्कोर कर चुकी होती है और 3 मिनट्स बाकी होते हैं जहां ईसागी हार मान चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि बाचीरा ईसागी से बोलता है कि हम दोनों मिलके गोल करते हैं। फिर बाचीरा कहता है क्या तुम रेडी हो, जहां ईसागी बोलता है हाँ। फिर बाचीरा बोलता है मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम डायरेक्ट गोल पे ध्यान दो। फिर ईसागी भागता है गोलकीपर की तरफ। फिर बाचीरा ईसागी को बॉल पास करता है। तभी हम देखते हैं कि बारो ईसागी के सामने खड़ा होता है
और बोलता है, मैंने पहले भी कहा था आई एम द किंग। और फिर हम देखते हैं इसगी थोड़ा डर जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर टीम जेड के पीछे से और भी प्लेयर आ जाते हैं और बॉल मांगने लगते हैं। फिर तभी इसगी ऑटोमेटिकली बॉल को कुनिगामी की तरफ दे देता है और कुनिगामी लॉन्ग शॉट दे के डायरेक्ट स्कोर करता है। जहाँ राइची इसगी से बोलता है, तुमने बॉल मुझे क्यों नहीं दी। जहाँ इसगी बोलता है, मैंने खुद से नहीं दी, वो अनइंटेंशनल था। फिर बारो इसगी के पास आके बोलता है, अगर तुम गोल करने से डरोगे तो घंटा कुछ उखाड़ पाओगे। तभी हम देखते हैं कि टाइम अप हो जाता है और टीम एक्स मैच की विनर होती है। जहाँ टीम जेड सैड होती है और इसगी भी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ राइची बोलता है कि इसगी ने सेंटर फॉरवर्ड बन के गलती कर दी। और ऐसे ही सब बहस कर रहे होते हैं और इसगी बारो की बात को सोच रहा होता है। फिर कुओन नाम का प्लेयर बोलता है, हम ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं तो बहस करने का क्या फ़ायदा। अगर एक टीम में दो बार लूज और दो बार विन होती है तो हमें आगे बढ़ने के लिए 7 पॉइंट्स चाहिए, तो अगर हम नेक्स्ट मैच हारे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर गोरीमो आइडिया मांगता है कि नेक्स्ट टाइम कैसे खेला जाए। जहाँ सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसगी बोलता है कि सॉकर ज़ीरो इसका मतलब क्या होता है। जहाँ इसगी एक्सप्लेन करता है कि आज के मैच में सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे, जिसे हम अपने में ही बिजी थे और शायद इसी का मतलब है ज़ीरो। और बारो के वजह से उनकी टीम एक साथ आ गई और उन्होंने अपने आप को वन बनाया और शायद हमें भी साथ आना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिनपची स्क्रीन के थ्रू वापस आता है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा। बाय द वे बिल्डिंग 5 का सेकेंड मैच भी ख़त्म हो चुका है, जहाँ टीम बी ने टीम वाई को 8-0 से हराया है। जहाँ टीम जेड शॉक होती है कि इतना स्कोर कैसे किया। फिर जिनपची बोलता है कि तुम सही जगह पर हो, पर तुम्हें नहीं पता कि ज़ीरो को वन कैसे बनाया जाए। जहाँ जिनपची टीम जेड को बताता है कि जापान बेसबॉल में काफ़ी आगे है, क्योंकि बेसबॉल प्लेयर अपनी अपनी इंडिविजुअल स्किल बनाते हैं बॉल को हिट करने के लिए, और हम जैपनीज जो हमें काम दिए जाते हैं उसमें हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो तुम सॉकर सिर्फ मिल के नहीं जीत सकते, तुम्हें अपनी इंडिविजुअल स्किल भी बनानी होगी, तो अपने हथियार उठाओ और दूसरी टीम को ख़त्म करो। जहाँ हम देखते हैं कि वो वेपन्स होते हैं फ्री किक, ड्रिबल, टेक्निक, स्पीड और हेडर। और फिर जिनपची लेक्चर देने के बाद वहाँ से चला जाता है और इसगी सोचता है, हमें अपने वेपन्स बनाने होंगे और हमें फर्स्ट सिलेक्शन को पार करना होगा। और यहीं पे एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।